नमस्कार दोस्तों, मैं वेद प्रकाश आज फिर से आपके लिए लेके आया एक नया वीडियो। आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि अपना एक्चुअल डेटा एंड फोरकास्ट जो डेटा है उसका चार्ट हम एक ही लाइन में कैसे लेकर आए। ये सबसे बड़ी एक मेजर प्रॉब्लम रहती है कि वो चार्ट एक ही लाइन में नहीं आ पाता है अपना एक्चुअल सेल्स का और फोरकास्ट डाटा का। तो उसके लिए एक सिंपल सा सॉल्यूशन है जो कि हम आज डिस्कस करेंगे। ये सेम वही सीट है जो हमने लास्ट टाइम पे सेशन में डिस्कस किया था। वही सेल्स का डेटा है, वही मंथ्स हैं, वही सेल डेटा, वही फोरकास्ट डेटा, सब कुछ फॉर्मूला वही लगा रखा है। अब हमें क्या करना है कि इसका डाटा का अगर हमें एक ही उसमें लाइन में अगर चार्ट चाहिए तो हमें क्या करना होगा। डेटा को सिलेक्ट करते हैं, देन इंसर्ट, हम लाइन चार्ट के अंदर जाते हैं। लाइन चार्ट में सबसे फर्स्ट लेते हैं, लाइन चार्ट बन जनरेट हो गया है। बट इस लाइन चार्ट में क्या है कि जो फोरकास्ट डाटा वो तो एक्चुअल डाटा नहीं है, तो इसको हमें क्या करना है, डॉट 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 से शो करना है। तो इसके लिए क्या होगा कि हम देखेंगे कि हमारा एक्चुअल जो सेल हुई है उसका ब्लू कलर के अंदर आया है और जो अपना प्रोजेक्शन है या फिर फोरकास्ट डाटा जो का जो है उसका हमें ऑरेंज कलर के अंदर आया है। अब इसको मान लीजिए कि हमें चेंज करना है, तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले बार के ऊपर क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे एंड फॉर्मेट डाटा सीरीज के ऊपर जाएंगे। हम यहाँ पर जाने के बाद में जो फर्स्ट जो ऑप्शन है फिल एंड लाइंस वाला, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। इसमें क्लिक करने के बाद में हम चाहें तो इसका कलर चेंज भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, कि हमें मान लीजिए कि ग्रीन कलर चाहिए या जैसा भी, वो हम कर सकते हैं। इसकी विड्थ हम इंक्रीज कर सकते हैं कि इसकी कैसे है, कंपाउंड टाइप भी हम इसमें चेंज कर सकते हैं एंड डैश टाइप मेन है। डैश टाइप, डैश टाइप में हम जाके अगर यहाँ पे देखिए जो डॉट्स वाले हैं राउंडेड डॉट्स, वो अगर सेलेक्ट करते हैं तो देखिए डॉट डॉट्स के अंदर जनरेट हो गया और एक ही लाइन के अंदर हमें सारा डाटा शो हो रहा है कि ये हमारा प्रोजेक्शन है फोरकास्ट डाटा के अंदर, हम यहाँ तक रीच करें। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।